हेलो फ्रेंड्स, आई एम आचल रतन एंड आई एम गोना टेल यू अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम यूजिंग सी। दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। इसमें मैं बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर। सो लेट्स बिगिन। सो अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर की मीनिंग समझनी है तो उससे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि डेटा होता क्या है। तो अगर हम डेफिनेशन पे जाए, सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्वांटिटीज, कैरेक्टर्स और सिंबल्स ऑन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रैंडम सेट कैरेक्टर्स का अगर है तो वो डेटा है, और इवन इफ इट इज़ सिंबल्स और क्वांटिटीज देन ऑल्सो इट इज़ अ डेटा। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। लाइक हियर यू कैन सी देर इज़ अ रैंडम सेट ऑफ कैरेक्टर्स एंड दिस इज आंचल, नेम इज माय। सो दिस इज़ अ डेटा, ऑब्वियसली बाय डेफिनेशन इट इज़ अ डेटा। बट इससे क्या हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, लाइक ये कोई इंस्ट्रक्शन हो और हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना है, तो क्या ये हमें कोई इंस्ट्रक्शन दे पा रहा है, कोई मीनिंग दे पा रहा है? नो, इट इज़ नॉट गिविंग अस एनी सच इंफॉर्मेशन। तो अगर हम कंप्यूटर को ऐसा कोई डेटा देते हैं लाइक दिस रैंडम सेट्स, तो बाय डेफिनेशन इट इज़ अ डेटा। बट ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है कंप्यूटर को, इट इज़ गिविंग नथिंग टू कंप्यूटर। सो अब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो मीनिंगफुल डेटा इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन। सो वी कैन से दैट वी कैन ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय प्रोसेसिंग डेटा और बाय ऑर्गेनाइजिंग इट। ओके, तो वो जो रैंडम सेट थे कैरेक्टर्स के जो हमने डेटा के एग्जांपल में देखे, हम उसको अगर सिस्टमेटिक वे से ऑर्गेनाइज्ड करें तो हमें क्या मिलेगा? माय नेम इज़ आंचल। सो बाय डेफिनेशन इट इज़ अ डेटा, लाइक नो डाउट ऑन दैट। ओके, तो अब ये इंफॉर्मेशन भी है, हमें इसको पढ़ के कुछ समझ आ रहा है कि लाइक ओके, जो इंस्ट्रक्शन हमें मिली है हम उसे समझ पा रहे हैं एंड हम उसके अकॉर्डिंग काम कर लेंगे। तो अगर हम ये इंफॉर्मेशन और वी कैन से डेटा हम अगर कंप्यूटर को प्रोवाइड करें तो वो डेफिनेटली कुछ काम करेगा एंड हमें आउटपुट ज़रूर देगा। तो आई थिंक आई मेड माई पॉइंट क्लियर अबाउट डेटा एंड इंफॉर्मेशन। हमें उसका डिफरेंस समझ में आ गया, हमें ये भी पता चल गया कि हम डेटा को इंफॉर्मेशन में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? बाय प्रोसेसिंग डेटा और बाय ऑर्गेनाइजिंग इट सिस्टमेटिकली, जिससे हमें कोई मीनिंगफुल डेटा मिल जाए। सो नाउ वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। सो डेटा स्ट्रक्चर्स इन सी आर यूज टू स्टोर डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट मैनर। तो हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे हर चीज़ एक डेटा है, लाइक इन कंप्यूटर फील्ड एवरी सिंगल थिंग इज़ अ डेटा। तो अब उस डेटा को स्टोर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको मान लो अपनी टेक्स्ट बुक से कुछ सर्च करना है, लाइक कोई भी रैंडम टॉपिक है जो आपको पढ़ना है एंड यू हैव टू सर्च इट। तो अब ये तो है नहीं यू विल गो वन बाय वन, लाइक यू विल टर्न पेजेस एंड फाइंड योर टॉपिक। नो, कोई भी ऐसा नहीं करता है। हम लोग करते क्या है, वी जस्ट डायरेक्टली गो टू द इंडेक्स एंड जस्ट सर्च योर टॉपिक देयर। ओके, हम वहाँ से पेज नंबर लेते हैं एंड देन अब हम उस पेज नंबर पे जाते हैं, देन हमें वो टॉपिक मिल जाता है। तो उसी टाइप की जो चीज़ है वो यहाँ कंप्यूटर लाइन में भी इम्प्लीमेंट होती है। लाइक हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, हम उसे एक बहुत ही अच्छे वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारा हर काम एफिशिएंटली होता है, हमें टाइम नहीं लगाना पड़ता। लाइक हमें वन बाय वन हर पेज पे ढूंढना नहीं पड़ता कि हमें क्या चाहिए, हमें डायरेक्टली वो चीज़ मिल जाती है। तो अब डेटा स्ट्रक्चर के भी काफ़ी टाइप होते हैं, काफ़ी क्या, उसके बेसिकली 5 ही टाइप्स होते हैं जिसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे। तो अब अगर आप लोग जिससे बहुत ज़्यादा लाइक आपने सुने होंगे नाम, दैट इज़ अरे, स्टैक, दे आर लीनियर, पता ही चल गया कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। अब आपके मन में क्या क्वेश्चन आएगा, लाइक व्हाई डेटा स्ट्रक्चर?
ठीक है, मतलब आपने जान लिया कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, क्या चीज़ होती है, बट आपको ज़रूरत क्या है डेटा स्ट्रक्चर्स की? ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि उससे डेटा स्टोर होता है, ठीक है, तो बट अब आपको वो क्यों करना है? एक कंप्यूटर साइंस इज़ ऑल अबाउट स्टोरिंग एंड कंप्यूटिंग फ्रॉम अ गिवन डेटा, ये तो आप सभी लोग मानते होंगे, ठीक है? सो स्टडिंग डेटा स्ट्रक्चर्स हेल्प्स यू डील विद डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग डेटा। मतलब आप चाहे किसी भी फील्ड में जाए, लाइक कोई भी फील्ड, फिर चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो या कोई साइंटिफिक हो या फिर फाइनेंशियल फील्ड में भी आप जाए, तो आपको डेटा तो स्टोर करना ही पड़ेगा इन वन वे और अनदर। फिर चाहे आप पेन पेपर लेके उसे स्टोर करें या फिर आप उसे किसी सिस्टम पे स्टोर करें, आपको स्टोर तो वो करना ही है। तो अगर आप एक ऐसा वे जानते हैं, लाइक अरेंजिंग देम एफिशिएंटली, मतलब आपका काम बहुत जल्दी होए, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आप स्मार्ट वर्क से उसे स्टोर कर सकते हैं, देन वाई नॉट? लाइक हर कोई चाहता है कि उसका काम जल्दी हो, उसे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, है ना? तो डेटा स्ट्रक्चर इज जस्ट अ मीडियम टू प्रोवाइड दैट, ओके? तो अब अगर हम सिर्फ फोकस करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे, ठीक है, लाइक सिर्फ कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं हम, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और प्लेटफॉर्म्स मे चेंज, बट द वे दे आर ट्रीटेड बाय अ कंप्यूटर एंड हाउ अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विल रिमेन सेम। कितनी सारे लैंग्वेजेस आपने सुने होंगे, है ना? बट यू जस्ट कांट लर्न ईच एंड एवरी लैंग्वेज, मतलब आप चाहे भी तो नहीं कर सकते, आपकी कैपेसिटी ही नहीं है उतनी। लाइक मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ, बट कोई ह्यूमन सारी लैंग्वेजेस लर्न नहीं कर सकता। ओके, आप सबके बेसिक्स जानते हैं, ठीक है, आप उन सबके कुछ प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, आप कर सकते हैं, बट आप हर चीज़ में एक्सपर्ट तो नहीं बन सकते ना। अगर आपको सी आती है, आप उसमें एक्सपर्ट है, आपको पाइथन थोड़ी कम आती होगी। अगर मान लो आपको सी एंड पाइथन दोनों आती है, चलो मान लो आपको दोनों आती है, तो आपको कोई और लैंग्वेज होगी जो कम आती होगी। बट अगर आप देख रहे हैं अपने आसपास, मतलब कितनी जल्दी सब कुछ बदल रहा है, टेक्नोलॉजीज हर दिन नई आ रही है, लैंग्वेजेस बहुत जल्दी चेंज हो रही है, तो आपको कुछ चाहिए जिस पे आप स्टिक हो सके ना। लाइक यू डोंट हैव टू लर्न एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ, आप अपने हर दिन तो नहीं याद करना चाहते ना कुछ चीज़। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो ऐसी एक चीज़ है जो अगर आप याद कर ले, लाइक आप समझ ले अभी, तो वो आपके हर जगह काम आ सकता है। लाइक आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उठा लीजिए, सी ले लो, सी प्लस प्लस ले लो, या कोई भी रैंडम लैंग्वेज ले लो, आपको डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी उसमें, यू विल नीड इट। तो अगर आपको वो अभी से आता है, लाइक यू डोंट नीड टू लर्न एवरी थिंग, ओके? अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स जानते हैं, तो आप किसी भी लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज पढ़िए, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वो वेस्ट नहीं जाएगा आपका डेटा स्ट्रक्चर, एंड वो आप ही के काम आएगा, इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू, ओके? सो आई थिंक दैट्स समथिंग कूल अबाउट इट, राइट? आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको हर साल जैसे लैंग्वेजेस नहीं आते, डेटा स्ट्रक्चर्स आपको चेंज नहीं करने पड़ेंगे, यू जस्ट नीड टू अपडेट सम स्टफ्स एंड यू विल बी रेडी टू गो, राइट? सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू, एंड इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन स्टोरिंग डेटा एफिशेंटली, देन यू शुड फॉलो अप, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, देन प्लीज़ शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारे और भी प्ले लिस्ट है, लाइक फ्रंट एंड पे है, सी लैंग्वेज पे है, पाइथन पे है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इन सारी वीडियोस को भी ज़रूर देखिए, यू गाइज गोना लव दीज, थैंक यू।